हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे। बेटा आज जन्माष्टमी है तो हम बाहर तो कहीं नहीं जा रहे हैं मिठाई लेने के लिए, और हमें कृष्ण जी का भोग भी लगाना है, तो क्यों ना हमने सोचा कि आज के मिलकर हम लोग कुछ ऐसा बनाते हैं कि जो कृष्ण जी का भोग भी हो जाए और होममेड भी हो। तो चलिए मिलकर बनाते हैं कृष्ण जी का भोग। इसके लिए हमने लिए हैं मखाने एक बाउल भर के, ये मेलन सीड्स लिए, ये मैंने एक छोटा बाउल है ये लिए हैं। आपके पास खरबूजे की गिरी हो तो आप वो भी ले सकते हैं। बादाम जिनको मैंने काट लिया है, बूरा मीठा बनाने के लिए, और आटा। ठीक है, इन बस इन्हीं इंग्रेडिएंट से आज हम पंजीरी बनाने जा रहे हैं, और इसके साथ ही हमें चाहिएगा घी। तो सबसे पहले हम एक एक चीज को, इन तीनों चीजों को, मखाने, मेलन सीड्स और बादाम की गिरी, इनको पहले घी में भून लेंगे। ये देखिए मेलन सीड्स मैंने फ्राई कर ली हैं, ये बादाम रोस्ट कर रही हूं मैं। यहाँ पे हल्का घी डालेंगे हम बिल्कुल, और बहुत ध्यान से लगातार चलाएंगे ताकि नीचे कढ़ाई में लगे ना। इसके लिए सही रहेगा यदि आप नॉनस्टिक कढ़ाई का ही उपयोग करते हैं। ये अब मैंने बादाम भी हल्के घी में फ्राई कर लिए हैं, और अब ये देखिए इसी तरह से मैं हल्के सुनहरे होने तक ये मखानों को भी फ्राई कर लूंगी। ये मखाने भी मैंने हल्का गोल्डन होने तक फ्राई कर लिए हैं। कढ़ाई में मैंने अब 2 चम्मच देसी घी डाल दिया, और जो मैंने ये आटा लिया था अब मैं ये आटा कढ़ाई में डाल के भूनूंगी। ये आटा देखिए आपको इस तरह से इसमें से गांठ निकालते हुए दबा के इसको भी हल्का गोल्डन होने तक आपको इसको चलाना है। ये देखिए अभी आप इसे मंदी आंच पे हल्का हल्का हाथ से इस तरह से भूनते रहेंगे, चलाते रहेंगे। ध्यान रखिएगा आपको ये मंदी आंच पर ही करना है। जब तक हमारा ये आटा अच्छे से भून रहा है तब तक हम देखिए क्या करते हैं, तब तक हम इन ड्राई फ्रूट्स को मिक्सी के छोटे जार में डाल के हल्का सा दरदरा होने तक भून लेते हैं। सिर्फ हम बहुत हल्का चलाएंगे, एक ही बार चलाएंगे ताकि पूरा ना पिसे, पतला ना हो जाए। हमारा आटा परफेक्टली भून चुका है, और ये हमारे ड्राई फ्रूट्स ये देखिए दरदरे होने तक मैंने इनको पीस लिया है। अब ये हमारा कसार बिल्कुल ठंडा हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे बूरा या शक्कर। मीठा कम या ज्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। ये हमारा इसमें ये जो थोड़ी सी गुठलियां होती हैं इसको आप फोड़ के इस तरह से ये आप ऐसे कर सकते हैं। ये इसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए, और ये जो हमने ड्राई फ्रूट पीसे थे ये भी हम इसके साथ ही डाल देंगे। ये हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको। अब ये हमारी पंजीरी बिल्कुल रेडी है। अब ऊपर से गार्निशिंग के लिए मैं ये हल्के से मेवे जिनको मैंने रोस्ट कर लिया था और बचा लिया था, मैं थोड़ा सा ये ऊपर डाल दूंगी गार्निशिंग के लिए। ये देखिए ये बिल्कुल रेडी है। आप कान्हा जी का भोग लगाइए इससे, और ये आप अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करिए, आपको बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। सो हैप्पी जन्माष्टमी और टू ऑल।